लोकसभा चुनावों का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने आज देश में आम चुनाव के ऐलान के साथ ही चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान किया गया है। तो कहां और कब डाले जाएंगे वोट, देखिए ये रिपोर्ट। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी तो आखिरी यानी 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग कराई जाएगी। 4 जून को काउंटिंग होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। यानी पहले चरण की वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा, पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग, तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग, चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग, पांचवें चरण में 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग, छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग, सातवें चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाने का ऐलान भी किया है। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। आंध्र में 13 मई, अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी, जबकि ओडिशा में 4 फेज में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव वहां होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अभी नहीं कराने का ऐलान भी किया है। चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव में 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे। वोटिंग के लिए 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।